अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। नाज़रीन इकराम, ईदुल अज़हा की दिन की गहराई से आप तमाम को मुबारकबाद पेश करता हूँ। याद रहे अय्याम तशरीफ, जैसा कि आप जानते हैं कि 9 ज़िलहज्जा की फजर से 13 ज़िलहज्जा की असर तक पढ़ना हर मुसलमान को औरत पर वाजिब है। तो तस्वीर ये है, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर वलिल्लाहि अलहम्द। जी हाँ, हर फर्ज नमाज के बाद आप एक मरतब पढ़ेंगे वाजिब है, 3 मरतब पढ़ना अफजल है। फिर याद रहे 9 ज़िलहज्जा की फजर से 13 ज़िलहज्जा की असर तक, ये हो गया अय्यामे तशरीफ। और दूसरी बात कि नमाज का तरीका, बहुत सारे लोग परेशान होते हैं नमाज के तरीके पर, के सवाल किए कि तरीका बयान करें ऊपर डाले, तो आसान तरीका है, जहन ही रखें कि मैं नमाज ईद उल अज़हा की नियत बांधने का तरीका है, मैं 2 रकात नमाज ईद उल अज़हा अदा करता हूँ इमाम के जायद 6 तकबीर के साथ। इस तरह हो सकता है, जायद 6 तकबीर के साथ इमाम के पीछे वास्ते अल्लाह की मेरा काम शुरू की तरफ। बार बार दोहरा कर आपके सामने रखा हूँ, जहन से रखे। आप पुख्ता दी है जिस तरह की आपको अपनी नीयत जिस तरह मानी, आप तो इमाम अपनी नीयत मानेंगे और तकबीर होगी अल्लाह अकबर तकबीर अल्लाह के पहली तकबीर, हाथ उठाकर बांध ली और निगाह सजदे अल्लाह की तरफ रहे और पढ़े सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिका व तबारक इस्मुका व तआला। जी हाँ, जैसे कि आप जानते हैं सना पढ़ना है, पहली तकबीर हाथ बांधने के बाद सना पढ़ेंगे, फिर हाथ उठाकर तकबीर कहेंगे अल्लाह अकबर, फिर हाथ छोड़ेंगे, फिर तकबीर कहेंगे अल्लाह अकबर, फिर हाथ छोड़ेंगे। ये 2 मरतबा हो गया, तो कुल मिलाकर 3 मरतबा हो गया। फिर हाथ उठाएंगे अल्लाह अकबर, फिर हाथ बांधेंगे, ताउस तस्मिया पढ़ेंगे, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमाम साहब फिरत करेंगे, फिरत होगी सूरह फातिहा पर मसूरा, फिर रुकू होगा, सजदा होगा, सजदों के बाद फिर कयाम की तरफ आएंगे दूसरी रकात में, फिर ताउ तस्मिया पढ़ी जाएगी, फिर सूरह फातिहा फिरत होगी तब मसूरा पढ़ी जाएगी। तो फिरत के बाद रुकू में जाने से पहले, दूसरी रकात की फिरत के बाद रुकू में जाने से पहले 3 मरतबा हाथ उठाकर छोड़ेंगे अल्लाह अकबर, फिर हाथ छोड़े अल्लाह अकबर, फिर हाथ छोड़े अल्लाह अकबर, फिर हाथ छोड़े 3 मरतबा हाथ छोड़ने का 4थी मरतबा अल्लाह अकबर कह के रुकू में चले जाए। रुकू के बाद सजदा, सजदों के बाद कायदा सलाम, उसके बाद खुतबा होता है। ईद में क्या है कि खुतबा आलम खुतबे के बाद दुआ होती है, अल्लाह ताला हमारे गुनाहों को माफ़ फरमाए, वमा अलैना इल्लल बलाग़।